तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर जो है लगातार करनाल के सुपर मॉल के अलावा अन्य जो मॉल्स हैं वहां पर जाकर खुद निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और वहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है कि आखिरकार जो सुपर मॉल के अंदर हो या फिर हर्षा कैथरीसी मॉल हो वहाँ के जो स्पा सेंटर है वहाँ पर आखिरकार चलता क्या है, क्या उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्पा सेंटर की लड़कियों ने बीते दिनों एक युवक को पीटा था और उसके बाद उस युवक ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। और अब आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता खुद जो स्पा सेंटरों को बंद कराने के लिए लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुपर मॉल में वो गए थे और अब हर्षा केतरीसी में वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो स्पा सेंटर है वहां पर अंदर जाकर देखेंगे और बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार उनके अंदर चलता क्या है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर जो है कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंच चुके हैं और जानने का प्रयास किया जाएगा। स्पा सेंटरों में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि आखिरकार स्पा सेंटरों में होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ स्पा सेंटर चल रहे होते हैं। स्पा सेंटर की लड़कियां जो है एक युवक को बुरे तरीके से पीटती हैं और उसके बाद वो युवक जो है अपनी जान दे देता है। और अब आप देख सकते हैं खुद कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी जितने भी लोग इस खबर को देखे वो इसे साथ के साथ शेयर करते हैं। देखिए बड़ी बड़ी दुखद घटना थी कि हमारे शहर के एक नौजवान साथी को देह व्यापार के इस कार्य के चलते हुए आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुआ। विषय वापस उसी प्रश्न पे की ओर बढ़ जाता है कि अगर इस प्रकार की जो कार्यशैली है हमारे शहर के अंदर ना हो और इन पे प्रतिबंध हो तो शायद उस नौजवान बच्चे की जान ना जाती। परंतु मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ये जो एटमॉस्फेयर पिछले कुछ वर्षों में शहर के अंदर बन गया है ये एटमॉस्फेयर हमारे अपने शहर के लिए, जिस शहर की गलियों में हमारा बचपन घटा, हम पले बड़े जवान हुए, उस शहर का के अंदर इस प्रकार का माहौल हम कतई भी क्रिएट होता बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी दोबारा आपके माध्यम से कड़ी चेतावनी, ये चेतावनी प्रशासन को हो, प्रशासन समझे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को हो वो भी सुन लें और भाजपा के नेताओं को वो भी सुन लें कि अगर इनके ऊपर, इन सारे कार्यों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हुआ तो मजबूरी वश लाठी के दम पे इन्हें शहर के हित में और लोगों की डिमांड पे मुझे बंद कराने के लिए उजागर करेंगे। निश्चित रूप से अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर क्या मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा शहर एक भाईचारे का शहर है। परंतु मैं आपके माध्यम से उन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि और भी जरिए कमाई के हो सकते हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इजी मनी, मैं दोबारा इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ उन रसूखदार भाइयों के लिए, इजी मनी की जो तड़प है उसके ऊपर थोड़ा सा वो अंकुश, सेल्फ कंट्रोल करें। और भी कई तरीके हैं, अगर सरकार में भी हैं तो सरकार के अंदर वो कई अन्य व्यापार कर सकते हैं। देखिए खुलेआम पूरे जिस बात का पता पूरे शहर को हो, मॉल्स के सामने थाना हो, कप्तान साइलेंट हो, तो कोई आम नागरिक भी इस बात को समझ सकता है कि किसकी शय है। आप ही बताइए, अगर शय ना हो तो क्या ये एक दिन भी चल सकते हैं? अगर शय ना हो, मैं ये सवाल मैं करनाल की जनता के लिए और आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर शय ना हो तो क्या ये एक दिन भी चल सकते हैं?
तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस और कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जांचने के लिए पहुंचे थे आखिरकार सुपर मॉल और केसरी जी जो मॉल है वहां पर होता क्या है। लेकिन आप बता दें कि अब पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच चुकी है, कांग्रेस के नेता यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी मॉल के बाहर जो है कि युवक की पिटाई हुई थी, बेकसूर था वो, और इस पिटाई के बाद युवक अपनी जान दे देता है। और अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जानने के लिए पहुंचे थे आखिरकार यहां पर होता क्या है। लेकिन अब पुलिस की टीमें भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो सुपर मॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। स्पा सेंटरों को अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार स्पा सेंटरों में चलता क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था और दिखाया था पिछले दिनों स्पा सेंटरों के बाहर एक लड़के की, स्पा सेंटर की लड़कियों ने पीट पीट कर जान ले ली थी। और अब इस मामले में ये अपडेट है, ये मामला अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस जो नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर अपने कार्यकर्ताओं के साथ करनाल के सुपर मॉल में पहुंच चुके हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वहां पर चलता क्या है, क्योंकि स्पा सेंटर की लड़कियों ने बीते दिनों एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, पीट दिया था उसे, उसके बाद वो अपनी जान गवा देता है। देखिए ये पहली बार हो रहा है, ये हमारा शहर, ये हमारा अपना शहर शांति, जो बहुत शांति प्रिय शहर है, पहली बार करनाल के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को करनाल में फैली हुई देह व्यापार के खुले धंधे के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का माहौल पिछले वर्षों में कितना ज़्यादा दूषित कर दिया गया है, और स्पा सेंटर्स के नाम पे हमारे शहर की लड़कियों को, हमारी शहर की बेटियों को किस प्रकार से देह व्यापार के अंदर झोंकने का काम प्रशासन की नाक के तले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाक के तले ये गोरख धंधा पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई है। आई एम सॉरी, ये जिस प्रकार का वातावरण हमारे शहर के अंदर बना है ये बहुत दुखद है। और आप देख सकते हैं कि शहर के नौजवानों के अंदर भी बहुत रोष है, आज किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में शहर के युवाओं ने आवाज़ उठाई है। ये युवा ये चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण प्रदूषित ना हो, हमारे शहर जो एक शांतिप्रिय शहर था वो उसी प्रकार से बना रहे। हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, और आज ये युवा साथी सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे डीसी साहब के माध्यम से, हमारी अपील है कि तुरंत प्रभाव से स्पा सेंटरों के आड़ में चल रहे इस देह व्यापार के व्यापार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए ताकि हमारे शहर का वातावरण स्वच्छ रहे। आपको लगता है इस प्रदर्शन से कोई असर पड़ेगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असर ही नहीं पड़ेगा, इन पे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो फिर मजबूरन हमें जबरन इन तमाम चल रहे देह व्यापार के अड्डों को बंद करने का काम मैं स्वयं करूँ। सर एक बात बताइए, अभी एक लड़की की जान भी गई है, एक लड़की की जान गई जो स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियां थी, उन्होंने देखिए परसों हमारे बयान के बाद जब हमने चेतावनी दी सरकार को तो मुझे पता लगा कि दोनों मॉल्स के अंदर से स्पा सेंटर्स को प्रशासन ने बंद किया है। आज हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं क्योंकि खबरें आ रही थी कि स्पा सेंटर्स के लोग कुछ राजनीतिक प्रेशर डाल करके दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी चेतावनी है, कड़ी चेतावनी से ले लें कि अगर इन दोनों मॉल्स में पुनः देह व्यापार के इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास भी किया गया तो फिर मजबूरन हमें शहर के हित में इसे लाठी के जोर पर इन तमाम सेंटरों को जो देह व्यापार में संलिप्त हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो सेंटर देह व्यापार में संलिप्त हैं
उन्हें हम बंद कराना चाहते हैं। प्रशासन की कार्रवाई कैसी लगती है, प्रशासन ने कार्रवाई की है या नहीं की है? हिमांशु जी, ये जवाब तो बेहतर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया ही सबसे पहले, हमारे मीडिया के भाइयों ने ही इस प्रकरण को सबसे पहले लगातार उठाने का काम किया था। 4-5 महीने से लगातार आप दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा शहर देख रहा है, आपके माध्यम से लोगों को पता लगा कि किस प्रकार से शहर के वातावरण को पूर्ण रूप से दूषित कर दिया गया है। परंतु मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सीरियस होता तो ठीक चौकी की नाक के नीचे इस प्रकार के कार्यों का होना अपने आप में दर्शाता है कि सरकार का लापरवाही पूर्ण रवैया। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, इसमें रसूखदार लोग भी इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े, मुंह से निकली हुई बात फिर वो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को तकलीफ महसूस होगी। समय रहते लोग चेत जाएं, मेरी बात को चेतावनी समझ लें, समय आने पर नाम भी। देखिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी इस पर चल रही है, हमें पता लगा है कि मुगल कनाल के ऊपर भी काफ़ी इस प्रकार के जो है सेंटर्स चल रहे हैं और कुछ सेंटर्स सेक्टर्स के अंदर भी चल रहे हैं। तो इस मुहिम को हम निश्चित रूप से आगे चलाएंगे और हम इंश्योर करेंगे जो करनाल है, इस क्राइम से फ्री करनाल हमारा हो।